माय नेम इज रश्मि, वेलकम टू माय चैनल द फूड हेवन। आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली पोटैटो, जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और बच्चों का तो ज्यादातर ये बहुत फेवरेट होता है। तो चलिए बनाते हैं सबका फेवरेट स्नैक हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो इस तरह है। 4 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने पहले ही पील कर लिया है। 4 चम्मच अरारोट, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक और लंबी कटी हुई, हरी वाली प्याज जिसके सिर्फ मैंने पत्ते लिए हैं, प्याज नहीं लिए, इसे बारीक काट लेंगे हम। 1 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच केचप, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और साथ में शहद। अब सबसे पहले हम इस आलू को फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लेंगे। ये देखिए, अब मैंने आलूओं को पतला पतला फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लिया है और इसे धो भी लिया है। धोने से इसका स्टार्च निकल जाएगा और ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसमें यारा रोट मिक्स करूंगी, इस तरीके से इसे डाल दें और हाथ की सहायता से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अभी देखिए अरारोट लगभग सारे आलूओं पे अच्छे से लग गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि गरम हुआ है या नहीं हुआ है। हम एक पोटैटो इसमें डालेंगे, ये देखिए अच्छे से तेल गरम हो गया है। अब हम सारे पोटैटो इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से इसे डाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये और चिपक भी नहीं रहे हैं। गैस को हम फुल ही रखेंगे और इन्हें हल्के हल्के गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए अब ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये हल्के गोल्डन से हो गए हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार के फ्रेंच फ्राइज जैसे। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। किचन टॉवल के ऊपर ही निकालेंगे इसे हम, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ये सोख ले। अभी हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें हनी चिली पोटैटो बनाऊंगी। अब इस पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी, इसे गरम कर लेंगे। अब इसमें ये व्हाइट तिल डालेंगे, हल्का सा हिला लेंगे, देखिए हल्का सा इसमें चटकने की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, हल्के से देखिए ब्राउन हो रहे हैं, चटकने की आवाज आ रही है। गैस को हम सिम कर देंगे। अब इसमें हम ये कैप्सिकम डाल देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। इसे हम सिर्फ 1-2 मिनट ही इसमें चलाएंगे ताकि ये हल्की सी गल जाए। अब ये जो प्याज की पत्तियां ली थी मैंने, ये मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी सी मैंने ये पत्तियां रख ली हैं इसे गार्निश करने के लिए। गैस को हम अभी भी सिम ही रखेंगे, थोड़ी देर से चलाएंगे। इसमें नमक डालेंगे और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर यूं ही चलाते रहेंगे।
याद रखें इसे पूरा नहीं गलाना है हमें, ना तो शिमला मिर्च पूरी गलनी चाहिए ना ही प्याज के पत्ते पूरे गलने चाहिए। अब ये हल्के हल्के पक गए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम सॉसेस डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी केचप। सोया सॉस, चिली सॉस, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये कैसा कलर आ गया इसका। अब ये सारे फ्रेंच फ्राइज जो हमने बना के रखे हैं हम इसमें डाल देंगे। इसे धीरे धीरे चलाते रहें। अब इसे हम तब तक चलाएंगे धीरे धीरे जब तक ये अच्छे से पोटैटोज में मिक्स ना हो जाए। अब ये देखिए पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें एक चम्मच शहद डालेंगे। कर लेंगे। शहद हमेशा गैस को बंद करने के बाद ही डालिएगा। मिक्स कर लिया हमने इसे अच्छे से। अब ये चिली पोटैटो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब जो मैंने ये प्याज की पत्तियां रखी थी इसे हम हल्का सा इसके ऊपर डाल के गार्निश कर देंगे। ये देखिए आप ये रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।